नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेहा रियल हॉन्टेड में। और दोस्तों आज आपका भाई मैं और किशन जी कैपीएल हिस्ट्री से दोनों भाई पहुंचे हैं राजस्थान और यूपी की बॉर्डर के पास में एक छोटा सा गांव लालगंज। वहां लालगंज में अब क्यों पहुंचे हैं, क्या कारण है? कारण है दोस्तों, यहाँ एक, जैसा कि आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे किसी भी चीज पे सर्च करोगे के राजस्थान और यूपी की बॉर्डर, तो सीधा आपके सामने एक चीज निकल के आएगी कि पूरा डकैतों का एरिया चंबल घाटी यहीं पे। यहाँ उसी बिहड़ में और उसी एरिया में हम दोनों भाई पहुंचे, इतनी रिस्क लेके, पूरा जंगली एरिया दोस्तों। और यहाँ पहुंचे हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइब भाई थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक माँ और बेटे की ऐसे निर्दयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में उस बेटे की, उस माँ के बेटे की, उस बच्चे की आत्मा आज भी यहाँ कर्राहते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए नजर आती है। वो एक माँ के प्रति इतना प्रेम, माँ की आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा, हो सकता है वो भी नजर आती होगी, क्योंकि दोनों को एक साथ बहुत निर्दयी तरीके से मार दिया गया था। और उसी लोकेशन पे हम पहुंचे हैं, पूरा अभी आधे घंटे से हम चारों तरफ घूम रहे थे, कुछ आवाजें और जंगल इतना भारी दोस्तों के डर इतना ज्यादा है कि भूतों से ज्यादा डर जानवरों का बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों और कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे मंत्र हमने किए हैं कि वो चीज अगर यहाँ पे वाकई में मौजूद है तो वो हमारे सामने आए। यहां से 6 से 7 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा लालगंज, वहां कुत्ते भोंक रहे हैं, शायद हो सकता है यहाँ जंगल में भी भोंक रहे हो। चलते हैं सीधा और देखते हैं कि वो चीज वाकई में, वो लड़का या उसकी माँ अगर हमारे सामने आती है तो कोशिश करेंगे बात करने की और आपके सामने दिखाएंगे, अगर दिखती है तो। चले किशन जी। हाँ जी किशन जी, लोकेशन बहुत डेंजर है ये, आज अपने को एक चीज से नहीं कई चीजों से बिल्कुल उस हिसाब से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दिखाओ पूरी लोकेशन देखो। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि कैमरा नहीं लाए हैं, फोन से शूट कर रहे हैं, रात के करीबन 12:15 का टाइम हो रखा है। आवाज सुनी मनोज, जानवरों का बहुत ध्यान रखना। यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, केवल आपके लिए ही, आपको इन चीजों से रूबरू कराने के लिए ही आधी आधी रात को हम ऐसे जंगलों में, ऐसी लोकेशनों पे भटकते हैं। कुछ आवाज जी, चल जाओ।
कौन है वहां से? ओए संजय पीछे वो देखो कोई है। कौन हो? मनोज भाई कोई है। वीडियो में कैप्चर हो रहा है क्या चीज है वो? दिखाई दे रहा है क्या? क्या चीज है यहाँ? मेरी आंखों से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मनोज भाई। हाँ? मुझे लग रहा है कोई बच्चा या कोई खड़ा है वहाँ। हो सकता वही बच्चा हो सकता है मनोज भाई। मनोज भाई ध्यान से मनोज भाई ध्यान से। मनोज भाई बच्चा बच्चा किसे नहीं? ये आगे कहाँ ले जाना चाह रहा है? संजय शक्ल बहुत भयंकर तरीके की, जूम करके एक बार शक्ल दिखा रहा, बहुत डरावना है। हे मेरे प्रभु रक्षा करना, आज हम इनके लिए आए हैं, रक्षा करना हमारी। हे बजरंगबली मदद करो। बेटा क्या कर रहे हो जंगल में आप? और कौन हो? क्या कर रहे हो आधी रात को इस जंगल में? क्या कहीं खो गए हो? बेटा कहाँ है तुम्हारे घर वाले? बेटा घर वाले कहाँ? मनोज भाई जा रहा है वो। घर वाले का नाम लेते उधर जा रहा है। बेटा कहाँ है तुम्हारे घर वाले? संजीव उधर जा रहे हैं, कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। मनोज भाई देखो वो जा रहा है। देखते हैं कहाँ जा। ये जंगल भारी लग रहा है आगे मुझे बहुत ही ज्यादा, ये नहीं हो जाए कि कोई लफड़ा हो जाए अपने साथ। आगे पहाड़ भी है। हाँ वही तो है, ये वही मथुरा वाले पहाड़ है, वो गोवर्धन वाले उधर आगे। हाँ। आगे चंबल का वो चंबल नदी है। बेटा कहाँ लेके जा रहे हो हमें? बेटा हमें नुकसान मत पहुंचाना, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। मनोज वो आगे जा रहा है अंधेरे में। मनोज भाई बात इधर कोई नहीं आता है, बात करो इससे। चारों तरफ जाली जाली लगे हुए। बेटा आप हमें कहाँ लेके जाना चाहते हो? बेटा कितना निकसन घुमा है एक बार, झूम करके दिखाओ चेहरा इसका। बेटा हमें डराओ मत, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। इसके मुंह से ब्लड आ रहा है मनोज भाई, ब्लड आ रहा है। वो मैं समझ गया सुन जी, वही है वही है किसी जी।
ये देखो आवाज, ये से किसी आवाज निकल रहा है। आवाज नोटिस करो, ये क्या हो रहा है यार किशन जी? अजीब सी आवाज है मनोज भाई। बेटा हमें डराओ मत, क्या आप हमें कुछ दिखाना चाहते हो? मनोज भाई रो रहा है शायद। बेटा रुक जाओ भाई, भाई। हमें डराने की कोशिश मत करो, हम आपकी मदद के लिए आए बेटा, तुम्हें प्रभु का वास्ता। क्या हमसे कुछ मदद पाना चाहते हो आप? मनोज भाई उसके शरीर पर देखो ब्लडी ब्लड आ रहा है चारों तरफ से, बहुत बेदर्दी से मारा है इसको यार बच्चे को। क्या बेटा तुम्हारे साथ में यहाँ और कोई भी है? मनोज भाई होगा जो देखा जाएगा, एक बार पास में जाके देखो। ये बजरंग बली यार ज्यादा नजदीक जाना ठीक नहीं रहेगा, वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है नीचे जमीन में। क्या बेटा यहाँ कुछ है नीचे जमीन में? कुछ है बेटा यहाँ नीचे जमीन में? ओ मनोज भाई वो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है मनोज भाई, वो आगे आ रहा है, वो दिखाई नहीं दिया। मनोज भाई उससे बात करो, हमें डराने की कोशिश ना करें, बात करो उससे। बात करो जी, घबराओ मत यार, जिस काम के लिए आए हैं। मुझे लग रहा है जैसे कोई वो अपने ऊपर ही आ रहा हो। कुछ है ये किशन जी, अपने कुछ बताना चाह रहा है कुछ, और मुझे नहीं लग रहा यहाँ और कोई भी है किशन जी। अजीब सी आवाज आ रही है साइड से, मेरे संजीव आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा हम आपकी मदद करने आए हैं, देखो अगर ऐसे हमारे को डराओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हे बजरंग बली रक्षा करो, हे बजरंग बली। क्या बेटा और कोई भी है तुम्हारे साथ यहाँ? हम आपकी मदद के लिए आए हैं बेटा। मनोज भाई।